हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। सो आज की वीडियो में हम इंटीग्रेशन के स्पेशल क्वेश्चन को देखेंगे। आपने मॉडुलस क्वेश्चन के इस क्वेश्चन को काफी बार देखा भी होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। यहाँ पर मॉडुलस देखो x माइनस वन, x माइनस टू और x माइनस थ्री के लिए सेपरेट कंडीशन में गिवन है। इस क्वेश्चन को हमने सेवन चैप्टर के मिसलिनियस में भी देखा है। आई वन, आई टू और आई थ्री को सेपरेट करके क्वेश्चन को किया था। यहाँ पर शॉर्टेस्ट वे देखने वाले इस क्वेश्चन का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मॉडुलस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो टर्निंग पॉइंट, एक फंक्शन कहां पॉजिटिव और कहां नेगेटिव रहने वाला है, किस टर्निंग पॉइंट के लिए। तो टर्निंग पॉइंट पहले यहां से देखते हैं, एक्स माइनस वन को अगर जीरो के इक्वल रखते हैं तो एक्स की वैल्यू वन आएगी, ठीक है। सेकेंड के लिए और थर्ड के लिए भी सेम चेक करते हैं, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू टू आएगी, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू थ्री आएगी। तो टर्निंग पॉइंट हमारे पास क्या क्या आ गए, वन टू थ्री, यानी कि आपने वन और फोर के मिड में दो टर्निंग पॉइंट है हमारे पास, टू और थ्री। आपने पी टू प्रॉपर्टी देखी होगी चैप्टर सेवन में, सेवन पॉइंट इलेवन से पहले सारी प्रॉपर्टी और इनके ऊपर बेस पर क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं, जिसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ टर्म टू की मैथ्स के नाम से। अब वहां से आप सारे क्वेश्चन को अच्छी से प्रॉपर्टी को प्रिपेयर कर सकते हैं ना। वन और फोर के मिड में टर्निंग पॉइंट क्या क्या है, टू और थ्री, यानी कि पहले लिमिट वन से टू, फिर टू से थ्री और फिर थ्री से फोर, यानी कि वन और फोर के मिड में हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाएगा टर्निंग पॉइंट टू और थ्री के साथ। तो पहला टर्निंग पॉइंट लेते हैं वन से टू। वन से टू के मिड में हमारे पास, हमें बहुत अच्छे से पता है वन और टू के मिड में 1.5। अगर 1.5 यहां पर रखते तो फंक्शन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यहां पर रखेंगे 1.5 तो फंक्शन नेगेटिव आएगा, यहां पर रखेंगे तो भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। पहले टर्निंग पॉइंट यानी कि पहले बोल सकते हैं वन से टू के मिड में फंक्शन क्लियर हो चुका है कहां पर पॉजिटिव कहां पर नेगेटिव रहेगा। टू से थ्री के मिड में चेक करें, 2.5 यहां पर रखेंगे तो फंक्शन कैसा आएगा, 2.5 रखते हैं तो फंक्शन हमारे पास कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। 2.5 यहां रखेंगे तो भी पॉजिटिव, लेकिन यहां पर नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। यहां तक कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अब देखते हैं यहां पर, अगर मैं यहां पर वैल्यू रखता हूं, यहां पर देखो हमारा 2 से 3 हो गया, लास्ट है हमारे पास 3 से 4। सो 3 से 4 के लिए फंक्शन हमारे पास तीनों जगह पॉजिटिव रहेगा, 3.5 यहां रखेंगे तीनों जगह पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि फंक्शन यहां पर भी पॉजिटिव है, यहां पर भी पॉजिटिव है और यहां पर भी पॉजिटिव है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखते हैं, अब इंटीग्रेशन करेंगे, काफी इजी कॉन्सेप्ट है। देखो पहले सॉल्व कर लेते हैं, एक्स माइनस वन, ठीक है, एक्स माइनस टू प्लस वन, यहां पर क्या आएगा, यहां पर देखेंगे अच्छे से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स, ठीक है, प्लस थ्री, कोई परेशानी नहीं है यहां तक। लिमिट ध्यान रखना वन से टू है इस बारे की, इसमें इसमें टू से थ्री है, यहां पर सॉल्व करेंगे टू से थ्री पे, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, माइनस एक्स प्लस थ्री, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। यहां पर चेक करेंगे थ्री से फोर के लिए, यहां पर तीनों फंक्शन पॉजिटिव है तो कोई साइन चेंज नहीं हो रहे, बस अब इन्हें सॉल्व करके इंटीग्रेशन कर लेंगे। सॉल्व करें, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या आएगा, माइनस एक्स, ठीक है, थ्री और टू फाइव में से वन माइनस करेंगे फोर, ये भी ठीक है। वन से टू लिमिट, टू से थ्री वाले में क्या क्या बचे, यहां पर भी चेक कर ले, एक्स से एक्स कैंसिल, ठीक है, सिर्फ एक्स बचेगा, क्यों बचेगा, सिर्फ एक्स, देखो थ्री, टू और वन थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, कोई परेशानी नहीं है। लास्ट वाले में चेक करते हैं, थ्री से फोर वाले में एक्स 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 यानी कि थ्री एक्स आएगा, माइनस सिक्स आएगा, क्योंकि सब हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ है, टू और वन थ्री और थ्री और थ्री सिक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, फोर का फोर एक्स, अपर लिमिट टू, लोअर लिमिट वन, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू, अपर लिमिट थ्री, लोअर लिमिट टू, एक्स का इंटीग्रेशन सिक्स का इंटीग्रेशन, अपर लिमिट लोअर लिमिट, बस वैल्यू रखनी आंसर आ जाएगा हमारे सामने। वैल्यू रखते हैं, टू रखेंगे, टू का स्क्वायर कितना आता है, फोर, फोर को टू से डिवाइड करेंगे टू ही आएगा, तो ये आएगा माइनस का टू, माइनस का टू आएगा, ठीक है, फोर टू जा एट, ये एट आएगा, माइनस में रखेंगे तो माइनस का वन अपॉइंट टू, प्लस का फोर, ठीक है ना। अब यहां पर आते हैं, थ्री का स्क्वायर रखेंगे नाइन अपॉइंट टू, माइनस में टू का स्क्वायर रखेंगे, फोर को टू से डिवाइड करेंगे टू, अब इसे रखते हैं, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, सिक्सटीन थ्री या फोर्टी एट, फोर्टी एट को टू से डिवाइड कर देंगे ट्वेंटी फोर, थ्री यहां रखेंगे सिक्स फोर से ट्वेंटी फोर, माइनस में रखते हैं लोअर लिमिट, माइनस में थ्री रखो, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन थ्री या ट्वेंटी सेवन अपॉन टू,
लिमिट तो रखना आती है ना, 6 3 18। सॉल्व करते क्या आएगा यहां पर, ये आएगा 6, जिसे हम यहां पर कर ले, यहीं पर ही लिख देते हैं, इसी लाइन में कर देंगे। ये आया 6, ये आएगा 7/2, 4 2 8, 8 में 1 माइनस करेंगे 7/2, ये आएगा 5/2, ठीक है। इससे ये कैंसिल, 18 2 36 माइनस 27 इज 9, ये आएगा प्लस का 9/2। देखो 9 और 5 कितने होते हैं, 9 और 5 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7, 7 + 6 माइनस का 7/2, 6 और 7 13, 13 माइनस 7/2 इक्वल में 19/2 है ना, 13 2 26 माइनस 7। होप सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये एलजेब्रिक कैलकुलेशन थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट की बहुत इजीएस्ट फॉर्म है, अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले आकर के देखा है तो। आई होप सो आज की वीडियो को अच्छी लगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चलो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि रिमेनिंग चैप्टर्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।